चल है दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं जलियांवाला बाग में, तो जहाँ पे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को उन्हीं को गोली लगी थी, तो वहाँ यहाँ पे उनकी गोली के निशान जहाँ जहाँ लगे हैं, जो बंदूकें वहाँ पे छिपे थे वहाँ पे गोली के निशान कुछ लगा है, वहाँ आपको दिखाते हैं। तो कुछ वीडियो साथ बने रही, वीडियो बहुत ही पार्क है, देखिए कुछ पार्क टाइप में बना दिया गया है इस जगह को, बहुत ही अच्छा पार्क है आप देख सकते हैं। और जो जगह है ना वो यहाँ पे है, ये रही जगह ये, और यहाँ पे है निशान, वो गोलियों का निशान का जो जगह निशान है वो यहीं पे है। तो यहाँ पे ही चंद्रशेखर आज़ाद जी को गोली लगी थी दोस्तों। तो आपको वीडियो में बने रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाते हैं हम। ज़्यादा कुछ नहीं पता था यहाँ के बारे में, मैं जो पता था तो वो थोड़ा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो दिलीप भाई को पता है तो दिलीप भाई बता देते हैं यहाँ पे क्या हुआ। 1919 में जो कि यहाँ पर हत्याकांड जो हुआ था, ये जलियांवाला बाग, इसमें ना मतलब कि उस दिन पूरी तरह से ये अमृतसर में कर्फ्यू लगाया गया था, जिस कर्फ्यू में तभी भी यहाँ पर लोग बहुत सारे भाषण यहाँ पर हो रहा था, तो भाषण को देखने के लिए काफ़ी लोग आ गए थे, जिसके वजह से ना ऐसा हुआ था कि यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा लोगों का गोली मार दी गई, जिसकी वजह से मृत्यु हो गया, 2000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो ये चीज़ है, यहीं पर कहीं सूची लगी हुई है, यदि सूची दिखती है तो मैं सूची को आप लोग को दिखा देता हूँ। तो हम दिखाएंगे, जिस भाई को पढ़ना होगा वो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। सिंह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था, जो यहाँ पर रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। देखो ये मुख्य पॉइंट है, रोलर एक्ट का विरोध करने के लिए जो लोग आए थे ना। और ये रहा गोलियों का कुछ निशान, आपको हम दिखा देते हैं, ये रहा। ये रहा कुछ गोलियों का निशान, यही है गोलियों का निशान जो एक एक है। फेवरेट लस्सी है, और इन भाई साहब की दुकान है। भाई आपकी दुकान का क्या नाम है? अभिषेक। क्या नाम है? अभिषेक। तो भाई यहाँ पे जब भी आए आप तो यहाँ पे लस्सी जरूर पिए, यहाँ पे एक गिलास, इतनी बड़ी गिलास 40 रुपये मिलती, बहुत ही प्यारी लस्सी बनी, बहुत ही अच्छी लस्सी मिलती है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट रहती है, और यहाँ की फेवरेट लस्सी है। और दिलीप भाई भी जस्ट आप इजेक्ट, यदि जलियांवाला पार्क से यदि बाहर आते हैं तो सामने इनका दुकान दिख जाएगा आप। यहाँ पे बहुत ही टेस्ट है, टेस्टी बहुत लस्सी है, और पीते हैं मज़ा आ रहा है। आप लस्सी, तो अभी हम घूम रहे हैं गोविंदगढ़ फोर्ट में, जो कि अमृतसर पड़ता है, और हमारे साथ दिलीप भाई हैं। लोकेशन बड़ी एंड है, लेकिन महंगा पड़ गया लेकिन घूमना, क्योंकि टिकट इसकी बड़ी महंगी है, और ऊपर से अंदर आने के बाद अलग से टिकट, बहुत से म्यूजियम में टिकट अलग अलग लगती लेकर, टिकट काउंटर बंद है, टिकट लेकर जरूर उसमें अंदर भी जाते थोड़ा देखते हैं, क्योंकि आए हैं घूमने यार यूपी से कम घूम के तो जाते हैं, देख कर जाते हैं कि क्या, लेकिन जो भी है, लेकिन लोकेशन पूरा एंड है, क्योंकि नज़ारे पूरे पुराने ज़माने के दिख रहे हैं सब, क्योंकि सनसाइड यहाँ पे देखिए बहुत मस्त लग रहा है, लेकिन लोकेशन जो भी है, जो भी हो, कुछ भी हो, लोकेशन बहुत अच्छी दिख रही है जगह, पैसे वसूल लोकेशन है अगर, क्योंकि यहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं। लो फोटो खींचो भाई, फ़ोटो खींचते हैं। अभी आके ऊपर बहुत अच्छा है, ये देख लीजिए पहले ज़माने के ऐसे फोर्ट होते हैं, दीवारें ऐसी बनी होती, दीवारें इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, इतना ईंट कहाँ से लाएंगा, ये अंग्रेज के ज़माने की सर भी दीवारें हैं, देख लो जी कितना बड़ा बड़ा फोर्ट है। अभी आपको हम ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से नज़ारे दिखाते हैं किले के, हम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस ऐसे ही है, इतनी मोटी मोटी तो दीवारें भैया हैं। चलते हैं उधर की तरफ देखते हैं ऊपर क्या क्या रहा है।
है तो कुछ नहीं, ऐसे बस मज़ा आ रहा है, पैसे वसूल कर रहे हैं अपने। किले के चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा खंडर है और है नहीं कुछ जिससे चोर चक्के आ नहीं पाए, दुश्मन हमारे अंदर ना पाए, इसलिए गड्ढे बगल में बहुत बहुत बड़े बड़े बना दिए गए हैं। देख लीजिए खंडर बहुत बड़े बड़े हैं, इससे हमारे दुश्मन हमारे पास नहीं आ पाते हैं। और कुछ भी नहीं है भाई, यहाँ पे यही सब है। और इधर से तो हम आए ही आगे कहीं से, बाहर निकलता है तो घूम के जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, पैसा वसूल करेंगे ज़रूर, क्योंकि टिकट दिए हैं हम 200-200 रुपये। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, यही सब दीवारें वगैरह हैं, बाकी आपको हम एक छोटा सा दिखा देते हैं सिनेमेटिक शॉट में। इस वीडियो में आप लोग को देख सकते हैं, ये जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वही चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेंगी। और कुछ है नहीं अंदर, अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप आइएगा यहाँ पर, वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ। वैसे यहाँ पे है कुछ नहीं, अगर आपकी मर्जी आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं आप डिसाइड करेंगे। देख वैसे देखने के लिए कुछ है नहीं, आपको मैं यही गेस करूँगा कि आप इसको छोड़ ही दीजिए, कम बजट पड़ेगा, देख सकते हैं। आपको फुल करके दिखाता हूँ अभी। ये कुछ लोकेशन है, इसको नहीं दिखा पाएंगे भाई साहब। और ये रहा भैया कुछ फोर्ट, ये फोर्ट के अंदर का नज़ारा यही है, और कुछ नहीं है अंदर फोर्ट में, बेकार के 200 रुपये हमारे खा गए हैं। मुझे इतना पछतावा हो रहा है आगे अंदर कि पूछो मत। मैं बाहर से ही सोच रहा था कि ना ही आऊँ, लेकिन क्या करें, आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आए कुछ तो सीखने को मिला कि ऐसे भी उल्लू बने। वहाँ पर देखो बम से दागी गई है, पूरी दीवार टूट गई है। हाँ वहाँ से देखिए बंदूक बम से दागी, ये इतना छेद हो गया है, देख सकते हो आप भाई। वो तो हमको गेट लग रहा है यार। तो हम लोग घूम चुके हैं दोनों भाई लोग, तो हम अब जा रहे हैं जलियांवाला बाग और अमृतसर गोल्डन टेम्पल घूम के कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने अगर हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, दिलीप भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। जितने भाई लोग आ रहे हो यार देख रहे हो वीडियो को, तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। भाई अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता रहेगा, बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे सपोर्ट करिए और दिलीप भाई को भी सपोर्ट करिए दोस्तों, यही बात है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे फॉलो कर सकते हैं, भाई को भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दिलीप यूट्यूबर के नाम से इंस्टाग्राम है, मैं दोनों का यूजर नेम लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं दोनों लोगों को। भाई अच्छी अच्छी रील एडिट करके डालते हैं इंस्टा पे, रील में आप वहाँ पे आप इनको फॉलो करिए, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।